हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप। देखिए, ये प्रोग्राम जिसका नाम है भारत एक मौज, जब कुछ साल पहले मैंने शुरू किया था, शुरू शुरू में मैंने व्यंग करना शुरू किया था, उसके बाद वो व्यंग मेरा थोड़ा ना गुस्से में बदलने लग गया, और अब जो है ना मैं मतलब बिल्कुल ही ठंडा पड़ गया हूँ, मतलब मेरे को ना ठंड पड़ गई है और मैं आराम से बोलता हूँ आपसे आके। उसमें व्यंग अपने आप आ जाता है तो आ जाता है, गुस्सा अपने आप आ जाता है तो आ जाता है, कुछ भी बाई डिज़ाइन है नहीं। लेकिन बहरहाल प्रोग्राम आपके पास लेके आना है, प्रोग्राम का नाम है भारत एक मौज और आज की मौजें ये रही। दोस्तों, देश में नए टेररिस्ट पाए गए हैं, फार्मर्स एंड पीपल लाइक कंगना नो, उनको पता है कि इसमें फार्मर्स एजिटेशन में फॉरनर फंडिंग है और किसी कोई फॉरेन हैंड का कमाल है और इसमें खालिस्तानी घुसे हुए हैं। अगर कंगना के पास इतनी भयंकर जानकारी है तो उसके पास इसके सबूत भी होंगे, तभी तो वो बोल रही है। मतलब इतनी बेवकूफ तो नहीं होगी ना कि बिना सबूत के बोलने लग जाएगी, तो वो सबूत भी जब जाहिर कर दे। ट्विटर पे तो आप इतना काम करते रहते हो, वो सबूत भी डाल दो ना वहां पे कि भाई इस वजह से मेरे को पता है, पक्की खबर है मेरे पास कि भैया ये फॉरेन फंडिंग है और इसमें खालिस्तानी घुसे हुए हैं। और अगर कंगना को ये बात पता है तो हमारे देश की खुफिया एजेंसीज को भी पता ही होगा, और अगर नहीं पता, जो कि बड़ा मुश्किल है, अगर नहीं पता मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हमारी खुफिया एजेंसीज के पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो बॉलीवुड की एक एक्टर के पास है, मतलब तो उसे रिक्रूट कर लो फिर यार। अगर खुफिया एजेंसीज के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है और कंगना रनौत के पास है तो फिर उससे पूछो, उसे बिठा के पूछताछ कर लो कि भाई तुझे कैसे पता, हमसे कैसे इन्फॉर्मेशन मिस होगी, हमें बता तेरे पास सबूत क्या है। यार एक बार बताओ, कल को अगर मैं ये बोलने लग जाऊं कि इस बार की छुट्टियां मनाने में चांद पे गया था, तो जब तक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैं एस्ट्रोनॉट का सूट पहने, चाहे वो दीपक चौरसिया वाला ही सही, वो एस्ट्रोनॉट का सूट पहने चांद की फोटो नहीं लगाऊंगा, कोई मानेगा क्या? सबको सबूत चाहिए ना है। और कल को अगर जो है सरकार इनने ये किसानों की डिमांड जो है ये मान ली, इनकी डिमांड्स के आगे झुक गई, तो क्या कंगना रनौत ये कहेगी कि सरकार खालिस्तानी टेररिस्ट के सामने झुक गई है? कोई लॉजिक है इस बात का? मतलब क्रिकेट में जो बुरे अंपायर होते हैं ना, जैसे हैं जिनको बस पैड पे बॉल लगनी होती है, सिर्फ उंगली उठा देनी होती है ना, उनको ये मालूम है कि बॉल लाइन में पिच करी है या ऑफ स्टंप के बाहर पिच करी है, बॉल का डेविएशन किस तरफ है, किस तरफ जा रहा है, वो स्टंप के ऊपर से निकली है, साइड से निकली, उन्हें पैड पे बॉल लगी और जो जो होम टीम का बॉलर है उसने अपील भी पूरी नहीं करी होती, वो पहले ही आउट दे चुके होते हैं। बैड अंपायरिंग कंगना। जो भी सरकार और सरकार की नीतियों के खिलाफ थोड़ी सी चूं कर रहा है, थोड़ी सी भी आवाज उठा रहा है, थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट कर रहा है, वो पाकिस्तानी है, टेररिस्ट है, खालिस्तानी है, अरबन नक्सल है, टुकड़े टुकड़े कहेंगे और न जाने क्या क्या, और ये फॉरेन हैंड है, मतलब ये फॉरेन हैंड है या आलू यार, कहीं पे भी किसी भी सब्जी में डल जाता है। मतलब अब तो जो है इस फार्मर स्ट्राइक में ट्रांसपोर्टर्स भी घुसने की बात कर रहे हैं, नए टेररिस्ट, स्टूडेंट्स हो गए, सोशल एक्टिविस्ट हो गए, टीचर्स हो गए, एनजीओज हो गए, अब फार्मर्स भी हो गए, इवन दादी, वो भी टेररिस्ट हैं। टेररिस्टों की भरमार हो गई है इस मुल्क में 2014 के बाद। और दोस्तों, सबसे मजेदार खेल हुआ ट्विटर के ऊपर जब कंगना रनौत उलझ गई दलजीत सिंह के साथ, और फिर मतलब टेंटम थ्रो करने लगी कि वो मेरे पे अटैक कर रहा है और वो मेरे के लिए ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। बेसिकली उसको पता नहीं है कि ये पंजाबियों का नरमी का स्टाइल है यार, अटैक मोड में तो वो अभी आया ही नहीं, अटैक मोड में आएगा तो वो झेल नहीं पाएगी। मतलब 100 रुपये में तुम ये बोल, उनके घर की औरतों को, बुढ़ी औरतों को बोल रही कि 100-100 रुपये में आती हैं, 100 रुपये का दिहाड़ी मजदूर बेचारा नहीं आता आजकल काम करने के लिए, यार कुछ तो सोच के बोला करो। कंगना रनौत जी, आप ना बोली हो, आपको पंच डाउन करना चाहिए क्योंकि वहीं पर आपकी सत्ता चलेगी। पंच अप करोगी तो कोई दिलजीत दोसांझ मिलकर ना सेट कर देगा आपको, जैसा कि हुआ आपके साथ, अभी भी सीख लो, ज़्यादा देर नहीं हुई है वैसे। और मीडिया इस प्रोटेस्ट को लेके अलग ही राग अलाप रहा है। मतलब सुदर्शन एक करके एक चैनल है, उसकी रिपोर्टर गई और वहां जाके एजिटेशन में जो लोग हैं उनसे पूछ रही है कि आपको आलू उगाने आते हैं, ये कैसा सवाल हुआ यार? यार स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच देखने मतलब हजारों लोग आते हैं, उन सबको क्रिकेट खेलनी आती है क्या? कुछ लोग टीम्स की सॉलिडेरिटी के लिए भी आते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए भी आते हैं। मतलब तू अपनी उनकी छोड़, तू अपनी बताना यार, तो तेरे को सवाल पूछने नहीं आते, तू अपने आप को जर्नलिस्ट कह रही है? और ये जो बहुत सारे लोग अपने फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में, घरों में बैठ के फार्म बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, इनको आलू उगाने आते हैं क्या? इनसे भी पूछ ले जाके। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कहती है सदैव आपके लिए आपके साथ, लेकिन उससे भी दो कदम आगे यूपी पुलिस, जो आपके बुलाने से पहले ही पहुंच जाती है वहां पे। मतलब अभी उन्होंने एक इंटरफेथ कपल की मैरिज में
जाके रोक लगा दी। जब मियां मतलब मियां बीवी भी राजी हैं, उनके घर वाले भी राजी हैं, लेकिन यूपी पुलिस को प्रॉब्लम है, यूपी पुलिस चलेगी वहां पर, उनकी शादी उन्होंने रुकवा दी है। इस तरह के हम माहौल और देश में हम रह रहे हैं। और यूपी पुलिस के मामले में मैं क्या बोलूं, मेरा एक बहुत पुराना जोक है कि मेरा एक दोस्त इंग्लैंड से वापस आया था इंडिया में, वो यूपी में कहीं आसपास ही अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के घूम रहा था, पुलिस आ गई वहाँ पे और उसको उन्होंने स्कोल्ड किया कि ये हरकतें यूपी में नहीं चलती हैं, और ये तो अब की बात नहीं, काफ़ी पहले की बातें हैं। और वो मेरे सामने काफ़ी आक्रोश में ना मतलब कंप्लेन कर रहा था कि हाउ कैन डू दिस यार, ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। मैंने कहा यार तू क्या बात कर रहा है, तू यूपी पुलिस के सामने ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहा है, मतलब ज़्यादा इंग्लैंड मतलब इनके सामने, ठीक है। मतलब अगर कोई क्राइम मतलब रियल क्राइम, जो इसको आप क्राइम समझते हो, मान लो मर्डर हो गया या डकैती हो गई या कोई किडनैपिंग होगी, उसके लिए क्यों पुलिस को परेशान करते हो? पुलिस इन कामों के लिए बनी है क्या? ये आपका पर्सनल मामला है, खुद सॉल्व करो। हाँ अगर शादी कर रहे हो तो पुलिस आपकी सेवा में है उस शादी को रोकने के लिए। मिनिस्टर अनिल विज जी, जिन्होंने बड़ा सीना ठोक के सबसे पहले कोवैक्सीन लगवाया था, जो कि कोरोना का जो वैक्सीन है कि मैं इसको लगवा रहा हूं जाके, और शूरवीर को दोबारा से कोरोना हो गया, ये साबित करते हुए कि वो जो कोवैक्सीन है वो कारगर साबित नहीं हुआ इनके ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि साइंस का अपना एक प्रोग्रेशन होता है, वैक्सीन को पब्लिक में लाने से पहले बहुत सारे ट्रायल्स, उसका एक पूरा एक डिफाइंड प्रोसेस है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में। उस प्रोसेस को बाईपास करके आप स्पीड अप नहीं कर सकते। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे शहरों के बाहर, शहर से बच जाए आप तो बाईपास से निकल जाओ ताकि तेजी से आप बाहर पहुंच जाओ। वैक्सीन में और हाईवे में फर्क होता है, थोड़ा टाइम लगता है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही वो सारे ट्रायल्स वगैरह करने के बाद, एक पूरे प्रोसेस के बाद वो पब्लिक के पास पहुंचता है कि अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अनिल विज जी ने पहले ही जाके कर लिया और अब उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। बाकी आप देख लो कि आपने कब लगवाना है, टेस्टिंग से पहले या टेस्टिंग के बाद। अभी खबर मिली है कि चाइना ने चांद पे अपना झंडा लहरा दिया है। एक बड़ी उपलब्धि है किसी भी देश के लिए चांद पे पहुंचना और वहां पे जाके अपना फ्लैग लगाना, और चाइना ने वो करके दिखा दिया है। हमने चाइना का पबजी बायकॉट किया, उसके गुड्स बायकॉट करे, अपने ही घर में उनके टीवी तोड़े फोड़े, अपने ही पैसे का नुकसान किया। चाइना किसी और काम में बिजी था, चाइना चांद पे जाके वहां पे अपना फ्लैग लगाने में बिजी था, और हम ये सब काम करने में बिजी थे, और अब भी हम इस काम करने में बिजी हैं कि इंटरफेथ मैरिज के खिलाफ लॉ बन जाए और हैदराबाद का नाम चेंज हो जाए। हम इन्हीं में लगे हुए हैं और दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है। तो दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज, और आपके आसपास जितनी भी मौजें होती रही हैं वो इन सबके बारे में शायद मैं बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि इतना तो मेरे पर ना वक्त है इस प्रोग्राम का और ना मैं ढूंढ पाता हूँ। लेकिन आप अपने आसपास की हुई मौजों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत रिलेटेबल हैं इस प्रोग्राम में। जो भी मौज मैं आपसे बयान कर रहा हूँ कि आप सरफेस पे तो शायद वो डिफरेंट दिखे, लेकिन जब थोड़ा सा डीप जाएंगे पता चलेगा एक ही प्रॉब्लम का सब हिस्सा है, एक ही मौज का सब हिस्सा है। ये था इस बार का भारत एक मौज। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने आसपास की मौजों को इग्नोर मत करिए। रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल, संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिमर अकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काट के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज।
अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर, भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज। Thank you.